अंबेडकर चाहिए लेकिन उनकी शिक्षाएं नहीं। हमारी सियासत के रंग देखिए, राजनीति में बढ़त हासिल करनी थी तो सबने अंबेडकर की तस्वीर लगाई, और ये बढ़त कम ना हो जाए इसलिए अंबेडकर के प्रतिज्ञाओं को दोहराने वाले को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिन्होंने इस्तीफा दिया वो है राजेंद्र पाल गौतम। क्यों दिया इस्तीफा? क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आधिकारिक रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वहां बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं को दोहराया, जिसके कारण बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने लगी। क्या बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं पढ़ना गलत है? क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है? हमारे एप्लीकेशन मॉलिटिक्स पर एक यूजर ने इस बारे में लिखा और सवाल उठाए, क्या बाबा साहेब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं चर्चा योग्य हैं? क्या लोकतांत्रिक भारत में यह संभव है कि एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट करे? ये सवाल आप सबके मन में होंगे। जवाब यह है कि 22 प्रतिज्ञाएं तब तक प्रासंगिक रहेंगी जब तक समाज में धर्म के कारण असमानता रहेगी। दूसरा, यहां कोई किसी को डोमिनेट कर ही नहीं रहा। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और समाज का चरित्र है कैसा, वो सब जानिए इस वीडियो में। साल 1936, इस वर्ष बाबा साहेब अंबेडकर ने पहली बार इस तरह की सोच जाहिर की थी कि वो हिंदू मत छोड़कर बौद्ध मत धारण कर लेंगे, और इसके लगभग 20 सालों बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस दौरान वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। संविधान लिखा, सभी लोगों को अपने अपने मतों को मानने का अधिकार भी दिया और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार भी दिया। वहीं नीति निदेशक तत्वों में उन्होंने ये बात रखी कि राज्यों को वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिनमें से सबसे अधिक विवादित थी 19वीं प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा कहती है, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता का विरोध करता है और मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और मैं बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता हूं। अब उस दौर और आज के दौर की हकीकत देखिए। जो समाज दलित औरतों से स्तन ढकने के लिए टैक्स ले, दलितों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखे, जो समाज उन्हें सार्वजनिक जलाशयों से पानी तक भरने का अधिकार न दे, जो समाज उन्हें इंसान नहीं पशुओं की तरह ट्रीट करे, आखिर कैसे वो समाज बराबर हुआ? आप में से कुछ कहेंगे कि आज के हालात तो ऐसे नहीं, लेकिन आप सब फिर समाज की तरफ भी निहारें और खबरों की तरफ भी। मूछ रख लेने पर दलित की हत्या, घोड़ी चढ़कर बारात में जाने पर दलित की हत्या, दलितों के द्वारा खाना बनाए जाने के कारण खाने का विरोध, मटके से दलित ने पानी पी लिया तो मार देने की हद तक उन्हें मारा जाना, ये वर्तमान की बात है। सोचिए आप तथाकथित ऊंची जातियों के कितने लोगों को जानते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए सीवर में घुसकर सीवर की सफाई करनी पड़ती है, या फिर जो आपके घरों के टॉयलेट साफ करते हैं, या फिर जो मरे हुए पशुओं को ढोते हैं। यह सब काम दलित समुदाय से आने वाले लोग अपनी इच्छा से करते हैं क्या? जी नहीं। समाज और धर्म में व्याप्त असमानता उन्हें इस हद पर लाती है। कागजों में भेदभाव नहीं है लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। नेता जब दलित बस्तियों में जाते हैं तो पहले साबुन भेजते हैं, अलग प्लेट कटोरों का इंतजाम करते हैं और फिर खाना खाने का ढोंग रचते हैं। आम लोगों को छोड़िए, देश के राष्ट्रपति भी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है, क्योंकि उनका संबंध दलित समुदाय से होता है। असमानता का यह पूरा ढांचा राजनीतिक मकसद से तैयार किए गए धार्मिक ढांचे का परिणाम है, जिस धार्मिक ढांचे में भगवान और भगवान तक पहुंचने का रास्ता दोनों ही तथाकथित उच्च जातियों के होते हैं। जो इस असमानता को झेलता है वो इस ढांचे में यकीन तो नहीं कर सकता। छोड़िए बात दलितों की, छोड़िए बात बाबा साहेब की, छोड़िए बात राजेंद्र पाल गौतम की। बताइए, क्या हिंदू धर्म में ही सगुण और निर्गुण भक्ति के कॉन्सेप्ट नहीं मिलते? भाई कबीर पंथी लोग जो हैं वो राम और कृष्ण को भगवान तो नहीं मानते? आर्य समाजी मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते? दरअसल बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं समानतापूर्ण और वैज्ञानिकतापूर्ण समाज की वकालत करते हैं।
राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञाएं दोहराई वो लगातार दोहराई जाती रही हैं। लेकिन मामला इसलिए गरमाया है इस बार क्योंकि अंबेडकर की फोटो वोट ला सकती है और अंबेडकर के सिद्धांत वोट काट सकते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भगत सिंह की भी है। सोचिए, अगर मैं नास्तिक क्यों हूं को सार्वजनिक मंच से पढ़ दिया जाए तो राजनीतिक गलियारों में तांडव नहीं हो जाएगा? सोचिए और लिखिए अपने मन की बात। पॉलिटिक्स पर जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।